आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड। ये पाव सैंडविच है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, छोटी छोटी भूख के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बड़े या बच्चों सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लव्स किचन। तो यहाँ पे हम लेंगे आपको सब्ज़ी, एक खीरा, दो टमाटर, दो आलू और एक प्याज। और ये यहाँ पे मैंने ये पाव लिया, ये मीडियम साइज़ वाला पाव हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी साइज़ का पाव यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दो आलू है, ये मीडियम साइज़ का आलू है, इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और छील लेंगे और इस तरह से ना स्लाइसिस में, क्योंकि हमें एज अ सैंडविच इसको यूज़ करना है, तो इस तरह से स्लाइसिस में इसको कट कर लेंगे ताकि रखने में आसानी होगा। तो सारे आलू को ना, बॉइल्ड आलू को इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेंगे और उसी तरह से फिर इतना मीडियम साइज़ हमें रखना है। उसके बाद हम खीरा को भी इसी तरह स्लाइसेस में कट कर लेंगे और थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, बिल्कुल पतला पतला नहीं रखेंगे। टमाटर भी इसी तरह से कट कर लेंगे स्लाइसेस में। सैंडविच बनाना इसलिए हम सारी चीज़ों को स्लाइसेस में इस तरह से कट कर रहे हैं। प्याज को भी कट कर लिया है, धनिया पत्ता खूब सारा इसमें डालना है। और हम अब हम बनाएंगे इंस्टेंट सैंडविच का मसाला। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर है और गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इंस्टेंट हमारा पाव सैंडविच मसाला बन के तैयार हो गया। और ये पाव को इस तरह से बीच से हम तोड़ लेंगे और ना नाइफ की हेल्प से कट करके इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो गया। अब हम लेंगे एक तवा, उस पर डालेंगे 1 चम्मच इस तरह से बटर, बटर घी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च का बनाया था, पाव भाजी मसाला सैंडविच मसाला सॉरी, वो इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और उसके बाद डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे वरना हमारा जो मसाला है ना वो जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक हम इसको भून लेंगे। और ढेर सारा उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और उसे भी मसाले के साथ ना अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक। और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरह से हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। और इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो एक पाव जो मैंने कट करके रखा था वो इसके ऊपर उल्टा करके डाल देंगे। अब इस तरह से ओपन करेंगे और उल्टा करके डाल देंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चारों तरफ, अभी मैंने एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब इसको ना ऑयल डाल डाल के हम बिल्कुल अच्छी तरह से ना पाव को सेकेंगे चारों तरफ से, एक हल्का सुनहरा कलर भी आ जाए और सब तरफ से ना अच्छे से ये सिक जाए। तो हल्का हल्का तेल डालें या ऑयल या घी कुछ भी आपको जो पसंद है वो उसमें डालें और चारों तरफ से ना इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, हेल्दी भी है, आप जो चाहिए सब्जियाँ भी खिला सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो उलट पुलट करके ना एजेस को भी इस तरह, किनारों को भी ना इस तरह से हम सेक लेंगे और लंच में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। सब्ज़ी आप अपने हिसाब से जो पसंद है वो डाल सकते हैं इसमें, पनीर के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। दोनों को इसी तरह से किनारों पे भी ना इस तरह से हम सेक लेंगे चारों तरफ से अच्छे से, बटर या तेल कुछ भी डाल के थोड़ा सा इस तरह से दबाते जाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे इस पाव को चारों तरफ से। मसाला इस तरह से ऊपर हम लगा देंगे। तो ये हमारा पहला सब पाव जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। दूसरा और बाकी सारा भी इसी तरह से हम इसको सेक लेंगे। तो जो मैंने मसाला साइड करके रखा था उसे बीच में डाल देते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ। और उसके बाद दूसरे पाव को भी इसी तरह से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ना हम चारों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे दबाते हुए, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी पाव हमारा बन के तैयार हो जाए। तो दूसरा बाकी सारा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारा पाव हमारा बन के तैयार हो गया है।
अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव को रख दिया है और उसके बाद डाले के आलू के स्लाइसेस जो हमने कट करके रखे थे, खीरा, और किसी तरह से भी आप रखें, खीरा, प्याज, टमाटर। और उसके बाद ना हम थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से हमें इसे बंद करना है। और बीच में ना अब हम थोड़ा सा डालेंगे काला मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमने मसाला में डाला हुआ है। अब इस तरह से बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सारा को इस तरह से प्लेटिंग करके सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का लगता है। इसे आप टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, कोई भी डिप, मैंने बहुत सारी डिप्स की भी रेसिपी शेयर की है, किसी के साथ भी सर्व करें। बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में और हेल्दी भी है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।